भरतकालीन वीणा वादन एवं वाद्य वृंद। जैसा पहले बताया कि भरतकालीन वाद्य वृंद के लिए कुतप संज्ञा थी। नाट्य के अंतर्गत कुतप का त्रिविध विभाजन किया जाता था, एक तत् कुतप, दो अवनत कुतप तथा तीन नाट्य कुतप। नाट्य को प्रभावात्मक बनाने के लिए कुतप के यथा योग्य सन्निवेश को विशेष महत्व दिया जाता था तथा इस दृष्टि से चतुर्विध आत्योधों की रंगभूमि पर विशिष्ट रचना की जाती थी। तत्कुतप में गायक गायिकाओं की संगति करने के लिए तंत्री वाद्यों तथा सुशीर वाद्यों का सन्निवेश किया जाता था। इस संबंध में नाट्य शास्त्र में वैपंचिक, वैणिक तथा वंशवादक तीनों का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। अवनद्य कुतप में मंदागिक, पाड़विक तथा दार्दुरिक जैसे चर्म वाद्य वादकों का समावेश था। तृतीय अर्थात नाट्य कुतप के अंतर्गत गायक तथा वादक वृंद के साथ विभिन्न नट नटियों को यथा योग्य स्थान पर बैठाया जाता था। इन तीनों का सम्मिलित वृंद आलात चक्र के समान चक्राकार रूप में सन्निविष्ट किया जाना चाहिए, ऐसा भरत का संकेत है। एवं गानम च नाट्यम च वाद्यम च विविधाश्रयम आलात चक्र प्रतिभम कर्तव्यम नाट्यो त्रिभिः। नाट्य का पूर्वरंग आरंभ होने से पूर्व कुतप विन्यास का कार्य यथाविधि संपादित किया जाता था। इसकी विधि नाट्य शास्त्र के इस गद्यांश में स्पष्ट हुई है। एतेषां प्रयोगं इदानीं वक्षयामि। तत्रोपविष्टः प्राङ्गमुखो रङ्गे कुतप विनिवेशः कर्तव्यः। तत्र पूर्वोक्तयोनो पथ्य गृहद्वार मध्ये कुतप विन्यासः। स्वरङ्गाभिमुखं मार्दगिक, पाणविक, दार्दुरिकेषु गायक गायिका, वंशिक, वैणिक सहितेषु अशिथिलाये तंत्रिबद्धा स्तनितेषु आत्युदेषु वादनके देवतानां वाहन विसर्जनार्थं प्रथममेव त्रिसामः कर्तव्यः। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भरतकालीन वाद्यवृंद का स्थान रंगभूमि पर नेपथ्य के दो द्वारों के मध्य में निर्धारित था तथा इनको प्रेक्षकों के सम्मुख बैठाया जाता था। भरत प्रणीत कुतप रचना से स्पष्ट है कि तत्वादकों में विपंची वादक तथा वीणा वादक दोनों का स्वतंत्र स्थान था। भरत ने समकालीन तत्ववाद्यों में विपंची एवं चित्रा को प्रमुख माना है तथा कच्छपी एवं घोषका उनकी अंगभूत हैं। विपंची चैव चित्रा च दारवीश वंग संगीते कच्छपी घोषकादिनी प्रत्यंगानी तथैव च। भरतकालीन वाद्यवृंद में वैणिक से तात्पर्य चित्रावीणा के वादक से रहा हो, यह तथ्य नितांत स्पष्ट है। वीणागत अलंकारों का निर्देश करते हुए भरत ने चित्रा तथा विपंची का स्वतंत्र नाम निर्देश किया है तथा अलंकारों के उपसंहार में वीणा से तात्पर्य चित्रावीणा से लिया है। एवं तज्जीर्घेय वीणावाद्ये तु धातवः प्रोक्ताः वक्षये अधुना विपंची वाद्य विधाने तु करणार्थम्। इन दोनों वीणाओं का स्वरूप भरत के अनुसार इस प्रकार है। सप्ततंत्री भवेत चित्रा विपंची नवतंत्रिका विपंची कोणवाद्या स्या चित्रा चांगुले वादना। तात्पर्य यह है कि चित्रा वीणा सात तंत्रियों में निबद्ध रहा करती थी तथा उन तंत्रियों का वादन अंगुलियों से किया जाता था। विपंची में नव तंत्रियां थी जिनका वादन कोण के द्वारा किया जाता था। कच्छपी घोषका आदि अन्य तत्ववादियों का परिचय नाट्य शास्त्र में उपलब्ध नहीं, तथापि उनके उपांग होने से प्रतीत होता है कि इनमें सप्त से न्यून सांख्यक तंत्रियों की स्थिति रही हो। संगीत रत्नाकर के अनुसार घोषका एक तंत्री वाली वीणा है। घोषका शैक तंत्रिका प्राथमिक स्वरूप के होने के कारण इनका स्थान वाद्य वृंद में गौण रहा हो, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। इसी पांच के अमरकोशकार के अनुसार वीणा वल्लकी तथा विपंची तीनों वीणा वाद्य के प्रमुख विभिन्न स्वरूप हैं। उनके समय में प्रचलित सप्त तंत्री वीणा के लिए अपर संज्ञा परिवादिनी थी। तत्कालीन वीणा के विभिन्न अंगों का परिचय इस श्लोक में उपलब्ध होता है। कोणु वीणा आदि वादनम
वीणादण्डः प्रवालः स्यात् ककुभस्तु प्रसेवकः कोलम्बकस्तु कयो अस्य उपनाहो निबद्धनम् नाट्यवर्ग 286। वीणा वादन के लिए जिस दंड का प्रयोग किया जाता था उसके लिए को संज्ञा थी। वीणा दंड को प्रवाल कहा जाता था। वीणा के अंतिम वक्र भाग को प्रसेवक कहा जाता था। वीणा के कलेवर के लिए कोलम्बक संज्ञा थी तथा तंत्रियों को जिस स्थान पर निबद्ध किया जाता था उसको उपनाह कहा जाता था। तंत्रियों को अभिष्ट स्वरों में बद्ध करने की क्रिया सारणा कहलाती थी। तंत्रियों को इन निम्न तथा उच्च स्वरों में मिलाने के लिए क्रमशः शिथिल तथा दृढ़ किया जाता था। पेज 371। ऐसी क्रियाओं के लिए मार्दव तथा आयतत्व संज्ञाएं थी। यदंतरम मार्दवाराय तत्वाद्या तावत प्रमाण श्रुति। पुष्कर वाद्यों को स्वर में मिलाने के लिए इन्हीं क्रियाओं का आश्रय लेना पड़ता था। भैरी पट्ट झंझा भिस तथा दुंदुभि डिम डिबे शैथिल्य आदाय तत्वाच्य स्वरे गांभीर्य मिश्यते। विविध जातियों के वादनार्थ वीणा पर अभिष्ट मूर्छना की स्थापना की जाती थी जिसका उद्देश्य वीणा पर अभिष्ट स्थानों की उपलब्धि था। प्रयोजनमपि स्थान प्राप्ति ही। यह स्पष्ट है कि तत्कालीन वीणा में 7 अथवा 9 तंत्रियों के होने के कारण वीणा वादन का क्षेत्र विशिष्ट स्थान पर सीमित रहता था। इससे विभिन्न स्थान विस्तार के लिए उस वीणा पर उन स्थानों के निर्देशन स्वरावली की स्थापना आवश्यक हो जाती थी। वीणा पर मूर्छना स्थापना के संबंध में भरत का यह प्रतिपादन महत्वपूर्ण है। मध्यम स्वरेण तु वेणेन मूर्छना निर्देशः भवत्यनाशित्वात् मध्यम स्वरस्य। अर्थात वीणा पर मूर्छना का निर्देश मध्यम स्वर से किया जाना चाहिए। मध्यम स्वर से तात्पर्य यहाँ मध्य स्थानीय अथवा कंठ स्वर से है न कि मध्यम संज्ञक स्वर से। इस तथ्य का समर्थन मतंग की इस उक्ति से होता है। ननु त्रिषु स्थानेषु स्वर प्रयोग इत्युक्तम् कारी पिधाने काकुपिधाने तत्र कतमं स्वर सप्तकम् अवलम्ब्य मूर्छना कार्येति ये संशेरते तान प्रत्याह मध्यम सप्तकेन मूर्छना निर्देशो तावन मंद्र तार संज्ञेत्यर्थम्। दो ननु मध्यम सप्तकेन मूर्छना निर्देशः क्रियते यदि तदा किमुक्तं मध्यमेन स्वरेणीति सत्यमुक्तं स्वर जात्यपेक्षया एकवचनं करणे स्वरे मूर्छना कार्येति भावः। तात्पर्य यह कि वीणा पर अभिष्ट मूर्छना का आरंभ मध्य स्थानीय स्वर से किया जाना चाहिए। चाहे वह स्वर षडज हो ऋषभ हो गांधार मध्यम अथवा तदतिरिक्त स्वर हो। पेज 372। उदाहरणार्थ षडज ग्राम की आरंभिक अथवा उत्तर मंद्रा मूर्छना की स्थापना मूर्छना के भरतोक्त अवरोहित्व को देखते हुए इस प्रकार होगी। एक सा प्रथम तंत्री दो नी मंद्र सप्तक द्वितीय तंत्री तीन ध मंद्र सप्तक तृतीय तंत्री चार प मंद्र सप्तक चतुर्थ तंत्री पांच म मंद्र सप्तक पंचम तंत्री छह ग मंद्र सप्तक षष्ठ तंत्री सात री मंद्र सप्तक सप्तम तंत्री। यह स्पष्ट है कि प्रथम तंत्री मध्य स्थानीय षडज में निबद्ध है तथा अन्य 6 तंत्रियां अवरोही क्रम से निबद्ध हैं। किसी जाति में आवश्यक स्वरावली को प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार की मूर्छनाओं की स्थापना अनिवार्य मानी गई है। भरत के अनुसार मूर्छना तानु का प्रयोजन स्थान प्राप्ति है। गेय जाति के लिए आवश्यक तार तथा मंद्र अवधि को दृष्टिगत कर वीणा तंत्रियों में उसी स्वरावली के स्थापना संस्थापन मूर्छना का उद्देश्य रहा है। मंद्र तथा तार की भरतोक्त परिभाषा को देखते हुए यह स्थान संस्थापन एक ही सप्तक के अंतर्गत रहा होगा ऐसी यथार्थ कल्पना की जा सकती है। भरतकालीन वीणा का सप्त तंत्रित्व इसी तथ्य का पोषक है। भरतोक्त तान क्रिया का स्वरूप वीणा की इसी परिमितता को स्पष्ट करता है। जैसा हमने यथास्थान देखा है और सुना है
भरत के अनुसार सप्त स्वरों से न्यून स्वरावली मूर्छना तान कहलाती है। इन शारव तथा ऑर्डर स्वरावलियों की स्थापना वीणा तंत्र पर विविध रूप से संभाव्य है। एक मूर्छना से लोकप्रिय स्वरों की बोधक तंत्रियों की अभिष्ट स्वर में सारणा करने से तथा दो लोकप्रिय स्वरों की बोधक तंत्रियों के स्पर्श से। यही अभिप्राय नाट्य शास्त्र के इस कथन में अभिव्यक्त हो उठा है। द्विविधा स्थान क्रिया तंत्रियाम प्रवेशो निग्रहश्च तत्र प्रवेशो नामत्थर स्वर प्रकर्षा दुत्तरम मार्दवाच्च निग्रहस्व संस्पर्शः मध्यम स्वरा संस्पर्शः। अर्थात तंत्री पर यह क्रिया क्रम से प्रवेश तथा निग्रह कहलाती है। प्रवेश वह है जिसमें लोप्य स्वर बोधक तंत्री को या तो अग्रिम स्वर में मिलाया जाता है अथवा पश्चादवती निम्न स्वर में मिलाया जाता है। निग्रह का तात्पर्य लोप्य मध्यवर्ती स्वरों के असंस्पर्श से है। मध्यस्थानीय स्वर के अनिवार्यत्व को देखते हुए तान क्रिया का यह विकल्प वीणा के मध्य और मध्यम स्वर पर प्रायः चरितार्थ नहीं होना चाहिए। Page 373। भरत के उपयुक्त अंश का तात्पर्य यही प्रतीत होता है कि किसी स्वरावली में मूर्छना का प्रारंभिक स्वर लोय होने पर इसकी बोधक तंत्रिका निग्रह अर्थात असंस्पर्श पर्याप्त है तथा उस तंत्री को निम्न अथवा उच्च स्वर में मिलाने की आवश्यकता नहीं। इस संबंध में मतंग का यह वचन नितांत महत्वपूर्ण है। एक कथमेशाम तानानाम प्रयोगः कार्य इति उच्यते द्विविधस्थान प्रयोगः प्रवेशेन निग्रहेण च। प्रवेशो ऋषभापेक्षया षडजस्य धरीभूतस्य लोभनीयस्य मार्दवेन यथा तस्यैव षडजस्य निषादापेक्षया उत्तरीभूतस्य मार्दवम् शिथिलीकरणम् निषादपादानम्। प्रवेश इति द्विविधम् प्रवेशनम् निग्रह स्वरन् अनन्तरः स्वपरित्यागास्पदम् दर्शनम् प्रयोगस्तु यथा सासा गरी पापापा मारी। दो ननु शिशु स्थानेषु स्वर प्रयोग इत्युक्तम् कार्यपिधाने तत्र कतम् स्वर सप्तकम् अवलम्ब्य मूर्छना कार्येति ये संशेरते तान प्रत्याह मध्यम सप्तकेन मूर्छना निर्देशौ तावन् मन्द्र तार संगिते सिद्ध्यर्थम्। भरतानुयायी दत्तिल तान की इन्हीं दो क्रियाओं को स्वीकृत करते हैं। तथापि तंत्रियों के तरन अर्थात आकर्षण से एकाधिक स्वरों को निकालने की क्रिया उनके समय प्रचलित हो गई थी ऐसा इस वचन से प्रतीत होता है। क्रम मुत्सृज्य तंत्रीणाम तरने मूर्छनास्तु यः पूर्णाश्चैव अपूर्णाश्च कूटतानास्तु ते स्मृतः। वीणा वाद्य के वर्णालंकार। गायन के वर्णालंकारों के सदृश वीणागत अलंकारों का विवेचन भरत ने किया है। इन अलंकारों के लिए धातु पारिभाषिक संज्ञा है। भरतकालीन नाट्य के पूर्व रंग में आश्रावण आरंभ वक्त्र पाणी आदि बहिर्गीतों का जो विधान है उसमें वीणा वादन का प्रमुख स्थान था और इस प्रसंग पर वीणा वाद्य का वादन नानाविध बोलों तथा लयकारियों के साथ किया जाता था। भरत के कथनानुसार ऐसे वाद्य संगीत का प्रयोग चित्र वीणा पर यथा योग्य धातुओं से गुरु लघु अक्षरों के साथ तथा यथोचित वर्ण एवं अलंकारों से समन्वित किया जाना आवश्यक है। धातु भिषित चित्र वीणायाम गुरु लघु अक्षरान्वितम वर्णालंकार संयुक्तम प्रयोक्तव्यम बुधैरिह। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार धातु ऐसे वीणागत स्वरों की संज्ञा है जो वीणा तंत्रियों के छेड़ने से उत्पन्न होते हैं। धातुवत् तंत्री विशेषांगुली विशेष संयोगजा वेणवत् स्वरः। अभिनव गुप्त का कथन है कि जिस प्रकार भान वाद्य पर घृत ढृंड आदि गुरु तथा मटकट आदि लघु वर्णों का प्रयोग करने से वाद्य की रंजकता वृद्धिगत होती है उसी प्रकार चित्रा आदि वीणाओं पर तत्सदृश नानाविध धातुओं का वादन किया जा सकता है।
चित्र नाट्योपरंजनार्था या वीणा तस्याम अप्येदातु विरुक्त स्वरूपे करतल निष्कोटितादिभिः उपलक्षितं प्रयोज्यम् कथम् भानुवाद्ये गत्यर्थे यानि गुरुणि घृत रिंड इत्यादिकानि लघुनि मटकट इत्यादिकानि तंत्रान्वितं कृत्वा अनेन भाण्डवाद्योपरंजकत्व मुक्तम्। इन धातुओं का निर्माण नानाविध करणों से किया जाता रहा जो कि आधुनिक परिभाषा में बोल संज्ञा से व्यवहृत है। धातु इन्हीं बोलों की लड़ियां हैं जो तंत्री स्पर्श की प्रक्रिया तथा अक्षरों का क्रम दोनों को मिलाकर निर्मित होती हैं। इसी आधार पर भरताचार्य ने धातुओं के निम्न चार प्रकार निर्दिष्ट किए हैं, विस्तार, करण, आबिद्ध तथा व्यंजन। विस्तार से तात्पर्य उस विधि से है जिसमें तंत्री पर प्रहार संख्या के अनुसार नानाविध बोल निर्माण किए जाते हैं। आधुनिक वीणा तथा सितार आदि वाद्यों की तंत्रियों पर इसी प्रणाली से दा, दृढ़, दारा आदि बोलों का निर्माण किया जाता है। नाट्य शास्त्र के अनुसार विस्तार नामक धातु के चार प्रकार हैं, संघातज, समवायज, विस्तारज तथा अनुबंध। संघातश्च, समवायजश्च, विस्तारजो, अनुबंधश्च, गेयश्च चतुः प्रकारौ धातुर् विस्तार संज्ञस्तु। विधिर्यस्तु स्मृतस्तस्य पूर्वं विस्तार एव तु संघात समवायौ तौ विज्ञेयौ द्विकत्विकौ। तंत्री को एक बार स्पर्श कर जो करण बजाया जाता है वह विस्तारज है। तंत्री को द्विवार छेड़ने से संघात क्रिया होती है तथा त्रिवार छेड़ने से समवाय क्रिया होती है और ऐसे धातु क्रमशः संघातज एवं समवायज कहलाते हैं। इन्हीं क्रियाओं का यथा योग्य मिश्रण अनुबंध कहलाता है। संघातज तथा समवायज धातुओं के क्रमशः चार तथा आठ प्रकार हैं। विस्तारज तथा अनुबंध को मिलाकर समस्त विस्तार नामक धातु के कुल 14 प्रकार हैं। Page 375 जो विविध धातुओं के विभिन्न समूहों से निर्मित होते हैं। पूर्व चतुर्विधस्तत्र पश्चिमो अष्टविधः स्मृतः करणानां विशेषेण विधिश्चैव पृथक पृथक एवं चतुर्दशविधौ नित्यं विस्तारधातुः स्यात्। संघात नामक द्विवार वादन की प्रणाली वीणा के अधर तथा उत्तर दोनों भागों में चरितार्थ किए जाने से दो चार प्रकार बनते हैं। वे इस प्रकार हैं, एक द्वाउत्तर जिसमें तंत्री का द्विवार वादन वीणा के उत्तर भाग में किया जाता है, दो द्विधर जिसमें तंत्री का द्विवार वादन वीणा के अघर भाग में किया जाता है, तीन अधरादि और उत्तरावसान जिसमें आरंभ में वीणा के अधर भाग में स्पर्श किया जाता है और पश्चात उत्तर भाग में द्विवार छेड़ा जाता है, चार उत्तरादि और अधरावसान अर्थात तृतीय प्रकार के विपरीत आरंभ में तंत्री का द्विवार वादन उत्तर भाग में होता है और पश्चात अधर भाग में किया जाता है। समवायज प्रकार के अष्ट भेद हैं, एक त्रियुत्तर अर्थात वीणा के उत्तर भाग में तंत्री के त्रिवार वादन से बोल निर्माण करना, दो त्रिरथ अर्थात प्रथम के विपरीत वीणा के अधोभाग में त्रिवार छेड़कर बोल बजाना, तीन द्वय धरोत्तरावसान अर्थात त्रिकवादन की प्रक्रिया प्रथम दो बार अधर स्थान में और तीसरी बार उत्तर भाग में करना, चार द्विरुत्तर अधरांत जिसमें त्रिकवादन उत्तर भाग में द्विबार और अधर भाग में अंतिम बार किया जाता है, पांच प्रागुत्तर द्विरधर जिसमें त्रिकवादन पहली बार उत्तर भाग में और दूसरी दो बार अधर भाग में होता है, छह द्विरुत्तरावसान अर्थात पहली दो बार उत्तर भाग में त्रिक बजाकर अंतिम बार अधर भाग में बजाना, सात उत्तर मध्य अर्थात प्रथम बार अधर में, द्वितीय बार मध्य में तथा तृतीय बार अधर में त्रिक वादन करना, आठ अधर मध्य अर्थात प्रथम तथा तृतीय बार उत्तर में तथा दोनों के बीच अधर में तंत्री का त्रिक वादन करना। धातुवादन की इस प्रक्रिया में अधर तथा उत्तर का तात्पर्य
क्रमशः एक सप्तक के अंतर्गत तार तथा मंद्र स्वर से लेना आवश्यक है। दत्तिल के इस वचन से स्पष्ट है कि तत्कालीन वीणा में स्वरों की स्थापना मंद्र से तार तक अधरोत्तर रीति से की जाती थी, अर्थात वीणा में मंद्र स्वरों से आरंभ कर निम्न की ओर तार स्वर बजाए जाते थे, उत्तरोत्तर तारस्तु वीणाय मधुरोत्तर। तार तथा मंद्र से अभिप्राय यहाँ संपूर्ण स्वर सप्तक से न होकर एक ही सप्तक के अंतर्गत मंद्र तथा तार स्वर से है। यह तथ्य माननीय है। जैसा बताया जा चुका है कि धातु वादन की चर्चा चित्रा नामक सप्ततंत्री वीणा के संबंध में मुख्यतः हुई है। ऐसी सात तंत्रियों के तंत्री स्पर्श तथा मूर्छना तान के माध्यम से अधिकाधिक डेढ़ सप्तक का वादन संभाव्य है, और इस अवस्था में अधर तथा उत्तर से अभिप्राय सप्तकांतर्गत उच्च तथा निम्न स्वर से लिया जाना चाहिए। करण और आबिद्ध धातु आघातों के कालमान पर आधारित है। करण के निम्न पांच प्रकार हैं: रिभित, उच्चत, नी रटित, लहात तथा अनुबंध। तंत्री पर प्रहारों की संख्या और उसके काल प्रमाण के अनुसार इनका निर्माण होता है। त्रिकपंचक, सप्तक, नव के घात युक्त यथाक्रमम विहित, सर्वैर अनुबंध कृतैर अगुवंत स्यात कर्ण धातु। कर्ण की विशेषता अंतिम गुरु अक्षर में विहित है। इसके अंतर्गत रिभित में त्रिक घात होता है, जिसमें दो धातु के बाद अंतिम गुरु रहता है। उच्चित नामक कर्ण के पंचक घात में प्रथम चार लघु और अंतिम एक गुरु होता है। निरटित नामक कर्ण में सात आघात किए जाते हैं, जिसमें प्रथम छह लघु तथा अंतिम एक गुरु रहता है। लात नामक कर्ण के नौ आघात होते हैं, जिनमें से आठ लघु के पश्चात एक लघु एक गुरु आता है। अनुबंध नामक कर्ण उपयुक्त सभी प्रकारों के मिश्रण से बनता है। आदित्य नामक धातु के निम्न पंच भेद हैं: क्षेप, प्लुत, अतिपात, अतिकील तथा अनुबंध। इन सभी का निर्माण क्रमशः दो तीन चार नव तथा इनके संयोग से उत्पन्न प्रहारों से होता है। क्षेपलुत आतिपात तिकीर्णा बंध संगीताश्रिति आविद्धौ विज्ञेयौ धातुर्वाद्य प्रयोगेतु द्वित्रिच चतुष्कर्ण वैक प्रकारे क्रमशः कृतै आविद्ध धातु विज्ञेय स्तवनु अनुबंध विभूषितः। आविद्ध धातु के इन प्रकारों का सविस्तर विवरण नाट्यशास्त्र में उपलब्ध नहीं, तथापि संगीत रत्नाकर के आधार पर इनका स्वरूप प्रत्येकशः इस प्रकार प्रतीत होता है: एक क्षेप एक लघु के बाद दो गुरु, दो प्लुत एक लघु एक गुरु और एक लघु, तीन अतिपात लघु गुरु लघु तथा गुरु, चार अतिकीर लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु अथवा लघु 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 गुरु 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 गुरु, पांच आकंद। इन चारों उपयुक्त प्रकारों का मिश्रण है। मतांतर के अनुसार आबिद्ध के प्रथम चार प्रकारों में क्रमशः दो तीन चार और नव लघु होते हैं। अभी पहले बताया गया कि विस्तार करण तथा आबिद्ध धातु का संबंध विभिन्न बोलों की रचना से है। इन बोलों को बजाते समय अंगुली प्रयोग में भी वैचित्र्य का संपादन किया जाता रहा है। यही अंगुली कौशल्य व्यंजन नामक धातु का उत्पादक है। अन्य तीनों धातुओं में प्रयोग किए जाने के कारण यह सार्वधातु कहलाता है। व्यंजन धातु के सभी भेद तंत्रियों के वैचित्र्यपूर्ण स्पर्श से निष्पन्न होते हैं। इस धातु के 10 भेद इस प्रकार हैं: कल तल निष्कोटित उन्मृष्ट रेफ अवमृष्ट पुष्प अनुस्वरित बिंदु तथा अनुबंध। कल में दोनों अंगुष्ठों से तंत्रियों को छेड़ा जाता है। तल में वाम अंगुष्ठ से तंत्री को छेड़ने की क्रिया होती है, तथा दक्षिण अंगुष्ठ से
बोल निकालने के लिए आघात क्रिया होती है। निष्कोटित से दक्षिण अंगुष्ठ से तंत्री को छेड़ने की क्रिया होती है और उन्मृष्ट विधि में तंत्री को दक्षिण तर्जनी से स्पर्श किया जाता है। तंत्रियों को जब सभी अंगुलियों से छेड़ा जाता है तब यह क्रिया रेफ कहलाती है। दाहिने हाथ की कनिष्ठिका तथा अंगुष्ठ से तीन तंत्रियों को जब छेड़ा जाता है तब यह त्रिप्रकार क्रिया अवमृष्ट कहलाती है। कनिष्ठिका तथा अंगुष्ठ की संयुक्त क्रिया के लिए पुष्प संख्या है। हस्ततल से छेड़ने की क्रिया अनुध्वनित अथवा अनुस्तनित कहलाती है तथा तंत्री पर केवल गुरु अक्षरों के बजाय जाने पर वह बिंदु कहलाती है। इन सभी प्रकारों का मिश्रण अनुबंध कहलाता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार वाद्य वादन की चित्रा दक्षिण तथा वार्तिक नामक विविध शैली में उपयुक्त सभी धातुओं का यथा योग्य प्रयोग किया जाता है। इस विवेचन से स्पष्ट हुआ है कि भरतकालीन चित्रा का वादन प्रसंग वशात दोनों हाथों से किया जाता था तथा अंगुलियों के द्वारा उसमें लालित्य तथा वैचित्र्य का संपादन किया जाता था। Page 378. इन धातुओं के यथा योग्य विनियोग के आधार पर वादन और वाद्य की निम्न चार जातियां बताई गई हैं: उद्दात, ललित, रिभित तथा घन। विस्तार धातु वाली जाति उद्दात कहलाती थी, व्यंजन धातु वाली जाति ललित कहलाती थी, आबिद्ध धातु से युक्त जाति रिभित कहलाती थी और इसमें प्रहारों का प्राधान्य था। करण धातु वाली जाति में लघु गुरु वर्णों का विशेष प्राधान्य था और यह घन कहलाती थी। इन्हीं चारों धातुओं से समन्वित होने पर वीणा वादन विशेष प्रभावशाली होता था। सर्वासामेव वृत्ति नाम ललिताद्या ही जातयः धातुभिः सह संयुक्ता भवन्ति गुणवत्तराः। गीत की संगति में वीणा वादन त्रिविध बतलाया गया है, तत्व, अनुगत तथा ओत। तत्व नामक संगति प्रकार विलंबित लय में, अनुगत मध्य लय में तथा क्रोध नामक प्रकार द्रुत लय में प्रवृत्त होता है। स्थिते तत्वम प्रयोक्तव्यम मध्ये चानुगतम भवेत् द्रुते चौधम प्रयुंजीज यादेश वाद्यगतो विधि। तत्व के अंतर्गत गीत की लय, ताल, वर्ण, पद, यति, इनका समुचित ध्यान रखकर अर्थानुकूल वादन किया जाता है। अनुगत में गीत का केवल अनुसरण होता है, गीत के अर्थ का उद्भव नहीं। ओघ में गीत के अर्थ की कथमपि अपेक्षा नहीं होती है तथा आबिद्ध करणों के साथ केवल हस्त कौशल्य का निर्वाह करते हुए द्रुत लय में वादन किया जाता है। आधुनिक वाद्य वादन में द्रुत लय में झाला आदि बजाने की जो क्रिया पाई जाती है वह इसी के अंतर्गत आती है। भरतकालीन गीत गान विलंबित लय से आरंभ किया जाता था तथा मध्य लय में बढ़ाकर द्रुत लय में इसका अवसान किया जाता था। गीत के लय पर आधारित इन तीन खंडों के साथ वीणा की संगति क्रमशः तत्व, अनुगत तथा ओघ प्रणाली से की जाती थी। गीत की संगति करने की यह प्रणाली भरतकालीन चित्रा वीणा की थी, ऐसा स्पष्ट संकेत नाट्यशास्त्र के इस वचन में उपलब्ध है। एवं तज्जेर ज्ञेया वीणावाद्ये तु घाततः प्रोक्तः वक्षे अधुना विपञ्ची वाद्य विधाने तु करणार्थम्। Page 379. भरत का अभिप्राय स्पष्ट है कि उपयुक्त धातुओं तथा वादन शैली का संबंध मुख्यतः वीणा वाद्य से है जो तत्कालीन संगति वाद्यों में प्रमुखतम वाद्य है। इससे आगे विपंची का करण विधान बताने का उनका संकल्प है, जिसे यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि वीणा से तात्पर्य यहाँ मुख्यतः चित्रा वीणा से है जो भरत के अनुसार सप्त तंत्रियों से समन्वित थी और जिसका वादन अंगुलियों से किया जाता था। इसी का उल्लेख भरत ने वीणा के नाम से अनेक बार किया है। इस वीणा का स्वरूप समुद्रगुप्त की वीणा वादिनी मुद्रा पर अंकित सरोदाकार वीणा के सदृश रहा हो, ऐसा दृढ़ अनुमान किया जा सकता है। भरतकालीन वीणा के संबंध में आधुनिक संगीतज्ञों की मान्यता है कि यह वीणा मत्त कोकिला नामक वीणा रही है। इस मान्यता का आधार
भरत कोशकर प्रोफेसर रामकृष्ण कवि का यह अनुमानात्मक कथन है। भरतो मत कोकिलाम अबादयदिति प्राहु। वीणागत धातुओं का विवरण इसी वीणा को लेकर भरत ने किया है, ऐसी उनकी मान्यता है। एतत् कर्णम् मत कोकिला आख्याय वीणायाम् भरतेन निदर्शितम्। संगीत रत्नाकर कार के अनुसार मत कोकिला नामक वीणा में 21 तंत्रियां होती हैं, तथा मंद्र मध्य तथा तार तीनों सप्तक इसमें उपलब्ध होते हैं। ईस्वी 13 के इस ग्रंथकार के अनुसार यही वीणा सभी वीणाओं में प्रमुखतम है तथा अन्य सभी इसकी अंगभूत हैं। भरतकालीन संगीत का आलोड़न करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भरत ने मत कोकिला नामक वीणा का एक बार भी नाम निर्देश नहीं किया है, न किसी अन्य नाम से 21 तंत्री वाली वीणा का संकेत ही किया है। दारवी वीणाओं के अंतर्गत चित्रा तथा विपंची के प्रमुख होने के संबंध में भरत की निसंदिग्ध मान्यता का निर्देश हम पहले दे चुके हैं। विशेष माननीय तथ्य ये है कि भरत पूर्व काल में भी मत कोकिला नामक वीणा का अस्तित्व कथमपि दृष्टिगोचर नहीं होता। इस स्थिति में भरतोक्त लक्ष्य के विपरीत होने के कारण प्रोफेसर कवि की उपयुक्त मान्यता पूर्णा सेन निराधार ही मानी जा सकती है। पेज 380।